अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी घड़ी में 5 बज रहे हैं, बहुत रेस्ट हो चुका है, बच्चों के भी एग्जाम ओवर हो चुके हैं, अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुआ। हयात भी आ गई हमेशा की तरह, मैं इसकी आवाज़ हल्की कर दूँ, और माहिन भी रेडी हो रही है जस्ट कोचिंग जाने के लिए। और मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए हैं, और बच्चे कह रहे हैं मम्मा थोड़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज अराउंड 5 दिन हो चुके हैं और मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है फिलहाल। तो क्यों व्लॉग नहीं आ रहा था, सारी चीज़ें आपके साथ हम व्लॉग में शेयर करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी बाकी वीडियोस को भी खूब इंजॉय करिए। और जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम तो कभी ओवर होते नहीं है, हर 1-1.5 महीने में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते रहते हैं। अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले उनके हर बार एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं। यूटी एग्ज़ाम थे, फिलहाल तो ओवर हो चुके हैं, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी ब्लॉग्स पर। और कल ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, पीटीएम होगी उसके बाद स्टार्ट होगी। आयात के समर वेकेशन चल रहे हैं, फिलहाल तो उनका समर कैंप भी चल रहा है, जो वो बिल्कुल नहीं जा पा रही है क्योंकि 5 बजे उठना होता है और 6 बजे उन्हें निकलना होता है, 6 बजे से पहले उन्हें स्कूल में पहुँचना होता है। तो अभी वो 2 दिन के लिए अपनी दादी घर गई हुई थी, तो उनकी छुट्टी हो गई थी, कल वो फिर से जाएंगी। तो आप लोगों के साथ मैं सारे क्लिप्स शेयर करूंगी, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आज लंच में मैंने बनाई है बिरयानी, और जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बनाने का तो मैं जल्दी से बिरयानी बना देती हूँ। और ये रही हमारी बिरयानी, माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी लग रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं अंदर और मैं उन्हें लंच कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो व्यूअर्स फिलहाल तो मैं रूम में आ गई हूँ और मुझे लग रही है बहुत तेज की भूख, अभी करती हूँ लंच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूं, फिलहाल तो रेडी हो गई थी, काफ़ी अच्छे मैंने पिक्चर्स क्लिक करे हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आपने अभी तक डिनर प्रिपेयर नहीं किया, उन्हें लगने लगी है भूख, बैक टू मॉम्स ड्यूटी। अभी पिक्चर्स क्लिक हो चुकी हैं, बच्चों को कराती हूँ डिनर, मिलती हूँ आपसे मैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी घड़ी में 1:30 हो रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम अभी तक ओवर नहीं हुए, कल माहिन का लास्ट एग्ज़ाम है, अल्तमश का आज लास्ट था, उनके तो ओवर हो चुके हैं, उसके बाद 2-3 दिन में बच्चों की समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट कोचिंग से अभी आई हैं, वो भी रेडी हो रही हैं चलने के लिए, वो जा रही हैं मेरे साथ मम्मी के वहाँ। हाँ बस माहिन कॉम कर रही हैं क्योंकि वो जस्ट कोचिंग से आई हैं, तो वो ऑलरेडी रेडी हैं। चले माहिन, रेडी हो गई हूँ, माही जस्ट कोचिंग से आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी के वहाँ जाती हूँ, हयात ऑलरेडी पहुँची हुई है, अल्तमश भी गए हुए हैं, तो अभी मैं निकल रही हूँ मम्मी के वहाँ। माही चले चलो, मैं घूमने के लिए तो हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, और मेरे पेपर हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बन गए आहिल, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रो रहे हैं, उन्हें आज किसी के पास नहीं आना है। बच्चों ने शोर मचा मचा कर दिमाग खराब कर दिया है, सब बहुत खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं खेल खेल कर कितना लाल हो गया है। Oh
नेक्स्ट डे अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं और मैं जस्ट अपनी फेशियल वगैरह कर क्लीन अप कर लिया है मैंने और अभी रेडी हो रही हूँ और साथ में हयात भी आ गई हमेशा की तरह। माहिन इसकी आवाज़ हल्की कर दो। और माहिन भी रेडी हो रही है जस्ट कोचिंग जाने के लिए और मेरा मन कर रहा था अभी मैं फेशियल वगैरह करूँ और इसको करने के बाद काफ़ी हाइड्रेटेड लगती है स्किन और मेरा रूटीन पूरा हो चुका है। अभी मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। द नेक्स्ट डे अभी घड़ी में 6:45 बज रहे हैं और हयात हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो हयात हो गई हैं रेडी। आज उनका सेकंड लास्ट डे है समर कैंप का, है ना। कल से हयात के समर कैंप ओवर हो जाएंगे। हाँ तो आज हयात का सेकंड लास्ट है और हयात 2 दिन बाद जा रही हैं और काफ़ी नर्वस भी हैं कि मामा मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी, अब मैं कैसे वहाँ पर इंजॉय करूँगी। और हयात की ड्राइंग बुक भी स्कूल में ही है ना, जो हयात ने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी। तो चलो अभी भाई आपको छोड़ने जा रहा है। नहीं नहीं मिल जाएगी। और आपकी टिक टैक कहाँ? चलो और टिक टैक भी लगा देती हूँ मैं आपके। तो व्यूअर्स अभी हयात निकल रही हैं, अल्तमश हयात को छोड़ने जा रहे हैं, लेने भी अल्तमश ही जाएंगे। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स हयात जा रही हैं अल्तमश के साथ। अभी मैं टेरेस पर हूँ और अपना ड्रिंक बना कर लाई हूँ वेट लॉस का। इसमें अजवाइन और दालचीनी, ज़ीरा और सारी चीज़ें मैंने मिला कर रखी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपका पूरी इसको डिटेल में बताऊँगी कि मैंने इसे किस तरीके से तैयार किया है। और अभी मैं छत पर आ गई हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, अराउंड 25 मिनट्स करूँगी, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी। फिलहाल तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ, ये ड्रिंक साथ में पी रही हूँ, पानी मेरा साथ में रखा हुआ है। और अब आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है क्योंकि आई हैव टू लूज वेट। तो व्यूअर्स यहाँ पर हयात अभी जस्ट आई हैं और उन्हें स्कूल से क्या क्या मिला, क्या मिला है? ये सारी चीज़ें मिली आपको? अच्छा ड्रिंक मिली है और यहाँ पर तो अच्छा और ये अच्छा बिस्किट्स वगैरह मिले हैं और चॉकलेट मिली है। तो अभी हयात इंजॉय कर रही हैं और जस्ट थक कर आई हैं। तुम रेस्ट करो और मैं अभी ब्रेकफास्ट करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो व्यूअर्स ये सारे क्लिप्स से जो मैंने आपके साथ शेयर करे, बच्चे अभी रेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम ओवर हुए हैं तो मैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। ब्लॉग्स भी अच्छे अच्छे आएंगे, शादी भी आ रही है, बकरीद भी आ रही है और साथ ही साथ तैयारियां भी चल रही हैं और देखते हैं समर वेकेशन में हम कहाँ जाते हैं, वो भी सारे क्लिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये एक अपडेट था जो मैंने आपको बताया कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और लाइफ में क्या चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।